गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग सन प्रीमियर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर मिसेस सरिता गोयल। आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 13 ऑफ सोशल स्टडीज एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। चैप्टर 13 एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और पशु। यू शैल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, कृषि, सीरियल्स ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न का अनाज, कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें, फूड फॉर थॉट, अच्छी प्रेरणा, द टू क्रॉपिंग सीजन, दो फसलों का सीजन, प्लांटेशन क्रॉप्स, वृक्षारोपण फसलें, लाइव स्टॉक रेयरिंग, पशुधन पालन। वार्म अप। कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन जस्ट अ पर्टिकुलर वर्ड? वाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस? यानी कि विलेज के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? वाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अबाउट 3/4 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हु लिव इन विलेज? यानी कि जो गांव में रहते हैं उसमें से भारत की 3/4 आबादी की मेन प्रमुख आय का साधन क्या है? वाट इज़ द टर्म यूज फॉर कल्टिवेटिंग द लैंड एंड ग्रोइंग क्रॉप्स? और खेती करना, जमीन की खेती करना, उगली उगती हुई फसल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? नेम द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन अडॉप्टेड बाय ह्यूमंस? जो सबसे पुराना व्यवसाय है मनुष्यों का, वो कैसे लिया गया है? द वर्ड एग्रीकल्चर आंसर ऑल द अबव क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है इस सब का आंसर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आर कंट्री। जो कृषि है वो हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है लोगों का। मोर देन 2 out of 3 पीपल इन आर कंट्री आर ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर। दो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे देश में जो मुख्य वर्क है, उनका व्यवसाय है, वो एग्रीकल्चर है इन सम फॉर्म और द अदर। और इसके अलावा कुछ और भी है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिवलीहुड। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है पशुधन पालन। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में उन्होंने एडवांस करा है, एंड गुड इरीगेशन सिस्टम, और सिंचाई के अच्छे साधन करे हैं। फार्मर्स आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छी फसल उगाने के लिए सारे साल मेहनत करते हैं। द टू क्रॉपिंग सीजन ऑन द बेसिस ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब बीज बोने के बेसिस पर देयर आर टू मेन एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। भारत में दो सीजन होते हैं कृषि के, दे आर खरीफ एंड रबी सीजन। खरीफ और रबी सीजन। खरीफ सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो खरीफ का मौसम होता है, जो स्टार्ट शुरू होता है जून के फर्स्ट वीक से, वाइल रवि सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड अक्टूबर। और जबकि रवि का सीजन अक्टूबर के मिड अक्टूबर से, आधे अक्टूबर से शुरू होता है। खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। जो खरीफ फसल होती है उसको मानसून क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। द मेन खरीफ क्रॉप्स आर राइस, पल्सेस, मेज, ग्राउंडनट, ज्वार एंड कॉटन। जो मुख्य खरीफ फसल है उसमें राइस, चावल, दालें, मक्का, मूंगफली, ज्वार और रुई। रबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम नवम्बर टू अप्रैल। और ये जो फसलें होती हैं ये नवम्बर से अप्रैल तक होती हैं। द मेन रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ली, मस्टर्ड एंड ग्राम। जो मुख्य रबी की फसलें हैं वो हैं गेहूँ, जौ, सरसों और चना। सीरियल्स और फूड ग्रेन्स। जो मुख्य अनाज होते हैं, द मेजर सीरियल्स ग्रोन इन आर कंट्री आर राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स। जो हमारे यहाँ का, हमारे देश में मुख्य अनाज होता है
वो है चावल, गेहूं, मक्का और ज्वार। राइस इज ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, केरला एंड महाराष्ट्र। जो राइस चावल उगाए जाते हैं वो आसाम में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, केरला और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। जो चावल है वो भारत का एक मुख्य खाद्य की फसल है। वीट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो गेहूं है वो कहाँ उगाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। मैलेट्स, बाजरा। मैलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन प्लेंटी इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। जो बाजरे की खेती होती है जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, ये कहाँ पर सब बहुतायत में उगाया जाता है? कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इंडिया इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। मतलब संसार में जो भारत है वो सबसे ज्यादा उत्पादक है ज्वार बाजरे का। पल्सेस, पल्सेस मीन्स होती हैं दालें। पल्सेस इंक्लूड लेंटिल्स, दाल लाइक मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम। जो दालें होती हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे मूंग, मसूर, अरहर और चना। दे प्रोवाइड द बल्क ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। और वे प्रोवाइड क्या करती हैं? एक बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लोगों की जरूरत पूरी करती है प्रोटीन की। प्रोटीन, मध्य प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। जो मध्य प्रदेश है वो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दालों का। डू यू नो पल्सेस आर द एडिबल सीड्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो पल्सेस होती हैं वो सबसे ज्यादा एडिबल सीड्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की। शुगर केन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। जो शुगर केन मीन्स होता है गन्ना। जो भारत की सबसे बड़ी उत्पादक है, गन्ने का उत्पादन संसार में होता है भारत में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग जेगरी एंड शुगर। और इसको गुड़ बनाने में और शुगर बनाने में यूज किया जाता है। द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। और जो शुगर केन गन्ना का मतलब गन्ने की जो खेती होती है वो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। अब है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है नकदी फसलें। कॉटन, कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ। जो कॉटन होती है, कॉटन मीन्स होता है रुई। जो रुई से हम लोग रुई का जो कॉटन का धागा हो उससे धागा बनता है और उससे हम कपड़े बनाते हैं। इट इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। और ये कहाँ उगाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। जूट, जूट एक आप जानते हैं ना कि जैसे रस्सी बनती है, जिसके बोरे बनते हैं वो जूट कहलाता है। जूट इज अ फाइबर क्रॉप आल्सो आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट है वो एक ऐसा फाइबर होता है जिसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, मैट्स, बैग्स, रोप्स एंड गनी सेक्स। यानी कि ये जो इनसे हम कारपेट बनता है, चटाई बनती है, बैग बनते हैं, रस्सी बनती है और बोरे बनते हैं। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जो वेस्ट बंगाल है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा जूट की अधिक उत्पादन करता है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन द स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड आसाम। और इसको सबसे ज्यादा किस स्टेट में उगाया जाता है? बिहार में, उड़ीसा में और आसाम में। टी, टी मीन्स चाय।
इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादन है वो भारत में, संसार में भारत में सबसे ज़्यादा होता है। इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इज ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ एंड आसाम एंड वेस्ट बंगाल, जो ये सबसे ज़्यादा इसकी गर्म जलवायु में होता है और इसको नीलगिरी हिल्स पर उगाया जाता है साउथ के यानी कि दक्षिण के और आसाम एंड वेस्ट बंगाल में। ईच वेराइटी हैज़ अ करेक्टरिस्ट फ्लेवर, और इसकी जो जितनी भी विभिन्न तरह की किस्में होती हैं, विभिन्न किस्में होती हैं, उनमें उसकी विशेषता बहुत विभिन्न तरह के फ्लेवर होते हैं। दार्जिलिंग टी ग्रोन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज वर्ल्ड फेमस, जो दार्जिलिंग की चाय है वो नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में उगाई जाती है, संसार की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चाय होती है। कॉफ़ी, कॉफ़ी इज मेनली ग्रोन इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जो कॉफ़ी होती है वो मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है, सदर्न स्टेट्स के कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द रीजन ऑफ सेवन सिस्टर्स, और ये सेवन सिस्टर्स क्षेत्र में भी उगाई जाती है। मैनी वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी आर ग्रोन इंक्लूडिंग अरेबिका एंड रोबस्टा, और विभिन्न कॉफ़ी की विभिन्न तरह की जो किस्में होती हैं वो इसमें उगाई जाती है, इंक्लूडिंग होती है अरेबिका में और रोबस्टा में। इंडियन कॉफ़ी इज सेड टू हैव द फाइनेस्ट टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो भारत की कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा संसार में अच्छा टेस्ट होता है। प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स में होते हैं रबर, रबर रबर प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जो रबर प्लांट्स होते हैं उसकी जो जलवायु कैसी में होता है, या तो गर्म और थोड़ी नमी में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ट्यूब्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स, इसको क्या है, इस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब्स में और व्हीकल सवारियों के टायर बनाने में यूज़ किया जाता है। रबर इज़ प्लांटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, रबर जो है उसका उगाया जाता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में। स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले, स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, चिलीज, क्लोव, जिंजर एंड कार्डमम। स्पाइसेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च, चिलीज मिर्च, क्लोव लौंग, जिंजर अदरक एंड कार्डमम बादाम। दालचीनी, सॉरी, दीज आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका, ये केरला में और कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फूड फॉर थॉट, इंडियन एग्रीकल्चर फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भारत की कृषि एक बहुत बड़ी समस्या को सामना करती है। सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वर एरेटिक मानसून, और जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि पानी, मानसून, फार्मर इन डेप्टनेस, जो फार्मर्स कर्ज लेते हैं स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स और जिनका छोटे साइज का फार्म होता है, लैक ऑफ मार्केट्स एंड डिग्रेडेड सॉइल, और जिनकी मार्केट में कमी होती है और मुख्यतः मिट्टी में कमी होती है। इन ऑर्डर टू कम्बेट दीज इशू, और इन सबको मिलाने में इसमें ये इशू होते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स वर इंट्रोड्यूस टू फार्मर्स अलॉन्ग विद केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हाई क्वालिटी के बीज होते हैं वो किसानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं विद केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, विच इंक्रीज द फार्म यील्ड्स, जैसे हम उपजाऊ बनाते हैं खेती करने में। द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर इज नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन,
इस सुधार कृषि के सुधार के नाम से जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अंडर दिस स्कीम फॉर द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग मशीन एंड फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स। जो इस स्कीम के भारत सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत जो हमें अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोवाइड किया जाता है, मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर, जो आधुनिक तरह की जो कृषि की मशीनें होती हैं उनको किसान उत्पादन करते हैं। द फार्मर्स वर एबल टू ग्रो बेटर क्वालिटी एंड मोर क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी मात्रा में फसल को उगाने के योग्य होते हैं। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन इन इंडिया इन 1970s ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा विशाल वहाँ एक विशाल उत्पादन होता है वीट का। वीट गेहूं का उत्पादन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है 1970 के जो हरित क्रांति आंदोलन हुआ था। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशियंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड ग्रेन्स। जो इंडिया भारत है वो सेल्फ खुद अपने आप में ही काफी मात्रा में होती है इन द मतलब अच्छी फसल को उगाने में।